वीडियो सही आग क्यों दिखा रहे हो यार इनको तुम? आग दिखा रहे हैं आप, सवाल ही वैसा कर रहे इधर को अब सवाल ही वैसा कर रहे हैं, मतलब वैसा वीडियो क्यों बनाते हो? हाँ तो काहे बनाते हो भाई, किसी के चैनल को तुम उड़वा दोगे? मैं क्यों उड़वा दूंगा भाई, वो खुद अपने मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, मैं क्यों उड़वा दूंगा? एक चैंपियन सपोर्ट को जानते हो? बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो मेरा गुरु है, उसी का वीडियो देख करके तो मैं भी बना रहा हूँ। वो एक ये थोड़ी बोला है कि ऐसे तुम वीडियो बनाओ। नहीं वो बोले नहीं है, लेकिन सलाह तो उसी ने देता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, पैसा कमाओ, क्लिकबेट करो। अरे यार तो ये थोड़ी हुआ कि कोई आप... नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आप सभी को मिलाने वाला हूँ उस शख्स से जो कि यूट्यूब चैनल का जो बाबा कहे जाने वाले, यानी यूट्यूबर यूट्यूबों का बाबा कहे जाने वाले, यानी टेक चैंपियन सपोर्ट के जो चैनल पर स्ट्राइक आया है। किस वजह से आया है, जिसके वजह से आया स्ट्राइक, आज हम उसके पास पहुंचने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आज उस व्यक्ति से मिलवाऊंगा भी, उससे यह भी पूछूंगा कि कैसा वो यह ऐसा वीडियो क्यों बनाता है। तो चलिए आप सभी को हम दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। देखिए हमारा कैमरामैन जा रहे हैं और देखिए इधर ये शूट कर रहे हैं, ये देखिए ये शूट कर रहे हैं। कैमरा इधर, कैमरामैन फोकस करिए। ये बताइए तुम्हारा नाम क्या है? राधा देवी। राधा देवी ये बताइए तुम लोग कैसे वीडियो बनाते हो? कैसे बनाते, जैसे बन आता है बनाते हैं। वीडियो सही। आँख क्यों दिखा रहे हो यार इनको तुम? आँख दिखा रहे हैं आप, सवाल ही वैसा कर रहे हैं इधर को अब सवाल ही वैसा कर रहे हैं, मतलब वैसा वीडियो क्यों बनाते हो? हाँ तो काहे बनाते हो भाई, किसी के चैनल को तुम उड़वा दोगे? मैं क्यों उड़वा दूंगा भाई, वो खुद अपने मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, मैं क्यों उड़वा दूंगा? एक चैंपियन सपोर्ट को जानते हो? बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो मेरा गुरु है, उसी का वीडियो देख करके तो मैं भी बना रहा हूँ। वो एक ये थोड़ी बोला है कि ऐसे तुम वीडियो बनाओ। नहीं वो बोले नहीं है, लेकिन सलाह तो उसी ने देता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, पैसा कमाओ, क्लिकबेट करो। अरे यार तो ये थोड़ी हुआ कि कोई आपको कोई आपको टीचर पढ़ाया है, तो ये थोड़ी गलत थोड़ी कोई पढ़ाएगा। इसके पहले मैं मेरा चैनल भी है, अच्छे चैनल भी हैं, हम अच्छे भी वीडियो बनाते हैं, उस पर कोई सपोर्ट ही नहीं करते हैं। कौन सा तुम्हारा अच्छा चैनल है ऐसे बता रहे हो? जाइए चेक कीजिए ना, विदेशी ब्लॉग 10, जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए विदेशी ब्लॉग 10, उस पर 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्रो नहीं किया है, मात्र 12,000 सब्सक्राइबर हुआ है। अभी उसके बात करूँ तो 1 घंटे में 12-13 व्यूज आता है। अरे जब अच्छा कंटेंट दोगे तब ना वायरल होगे। भाई मैं अच्छा ही वीडियो बनाते थे, लेकिन मैंने अचानक एक दिन वीडियो देखा टैग चैंपियन सपोर्ट का, वो कह रहा था यूट्यूब पे अगर वीडियो बनाना है तो क्लिकबेट करना सीखो भाई, क्लिकबेट करना सीखो। बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे आप यूट्यूब पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप क्लिकबेट करते ही नहीं हैं। तो उसी दिन से मैं सोचा नहीं, मेरा जैसा कैटेगरी है वैसा क्लिकबेट मुझे करना चाहिए। तो जैसा मैं वीडियो बनाता हूँ उसी दिन से मैंने क्लिकबेट करना चालू किया, सच में यूट्यूब वाले बाबा का बात लग गया, मेरा वीडियो वायरल होना शुरू हो गया। तो तुम्हारे कहने का मतलब है यूट्यूब वाले बाबा ने सही बताया ना? सही बताया, बोला क्लिकबेट वो नहीं बल्कि मनोवीडियो हो गया। हर एक यूट्यूबर बोलते हैं कि आपने कैटेगरी के अनुसार से अपने वीडियो पे क्लिकबेट करना सीखो, जब तक कि क्लिकबेट नहीं करोगे तब तक वीडियो आपका कभी वायरल होने वाला नहीं है। तो मेरा जिस तरह से वीडियो मैं बनाता हूँ ना उस तरह से मैं क्लिकबेट कर देता हूँ। लेकिन देखिए हम वीडियो बनाते हैं, हमारे वीडियो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, बाकी थंबनेल मेरा क्लिकबेट होता है। अब उसके ऊपर भी लोग बोलेंगे अश्लील बना रहे हो, अश्लील बना रहे हो, तो भाई उसका व्यूज नहीं जा रहा है, व्यूज उसका डाउन होते जा रहा है, तो मुझे ही पकड़ेंगे ना व्यूज लेने के लिए। वो तो है, हाँ वही करेंगे, उसका काम ही यही है। अच्छा तो ये बताइए यूट्यूब वाले बाबा के चैनल पर क्या तुमने स्ट्राइक मारा है? उससे भाई पहले मेरे ही चैनल पर स्ट्राइक आया है, मैं उस पर क्यों मारूंगा? मेरा थंबनेल यूज़ किया है यूट्यूब ने, पहले मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारा, मेरा थंबनेल चेक किया था यूट्यूब ने, मेरे थंबनेल पे स्ट्राइक मारा, उसके बाद उसके चैनल पे चेक किया होगा तो स्ट्राइक मार दिया। मैं क्यों मारूंगा? मुझे तो लूर ही नहीं है स्ट्राइक मारने का, डिस्क्रिप्शन लिखने का लूर नहीं है भाई, तो मैं स्ट्राइक मारने के लिए कहाँ जाऊँगा? मैं राधा जी मारी होंगी स्ट्राइक। हम क्यों मारेंगे स्ट्राइक, मुझे क्या स्ट्राइक मारने आता है? गोली बंदूक से मारा। देखिए हम स्ट्राइक नहीं मार रहे हैं, ना किसी को कुछ बोले हैं, ना तो किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, बस हम अपना वीडियो बनाते हैं, जो मेरा कैटेगरी है उस हिसाब से हम अपना मतलब क्लिक बेट करते हैं। और अब कोई मेरे नाम से मेरे थंबनेल के उठा के कोई लगा दे तो क्या होगा उसको भी? अच्छा, एक बात मेरे सुनिए, हम दोनों गलत कर रहे हैं, हम दोनों गलत कर रहे हैं ना ठीक है, हम मानते हैं कि हम दोनों गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो उठा उठा के वीडियो लोग डाल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ये बताइए? मेरा थंबनेल उठा करके वो क्यों डाले हैं अपने चैनल पे? यूट्यूब बाबा जी बहुत अच्छा आदमी है और गुरु जी है, सबको सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा मैं मानता हूँ उसको, लेकिन उसका ऑडियंस सब अच्छा है, बहुत मस्त है, लेकिन यूट्यूब बाबा ने गलती किया है कि अपने ऑडियंस के साथ वो मेरा गलत थंबनेल नहीं डालना था उसको, ऐसे कुछ और रूल अपना लेता मुझे समझाने का। वो थंबनेल उतना ख़राब डालने की क्या ज़रूरत है, उसको पता था कि मेरा वीडियो वायरल हो रहा है, 8 लाख व्यूज चला गया 11 दिन में, हम भी थंबनेल डालेंगे तो मेरा भी वीडियो वायरल हो जाएगा।
चलो अच्छा तो यूट्यूब वाले बाबा के चैनल उस वीडियो देखे थे जो आपके ऊपर बनाए थे वो बहुत अच्छा देखे हैं उसका सब्सक्राइब कर करके भाई उसके चैनल से मुझे शिक्षा मिलता है मोटिवेट होते हैं उसका वीडियो देख करके हम अच्छा तो ये बताइए जब आपने वीडियो देखा आपके ऊपर वीडियो बनाए थे तो आपने उनके चैनल पर कमेंट वगैरह किया था कि हमारा ही चैनल पे हम कमेंट भी किए हैं और लिखे हैं कि गुरुजी हमसे गलती हो गया है हम ऐसा वीडियो बनाते हैं और हम आपसे एक बार मिलना चाहते हैं और अश्लीलता को कैसे ख़त्म करेंगे एक बार हम आपसे मिलते हैं फिर वहीं भी बताएंगे हमसे आप एक बार संपर्क कीजिए और हम आपसे मिलना चाहते हैं डायरेक्ट ऐसे खुल के कोई नहीं बताएगा कि हम अश्लीलता वीडियो बनाते हैं तो हम आपसे मिलेंगे नहीं हम मिलेंगे और अश्लीलता वीडियो जो भी बनाता है वो गलत है मैं मान रहा हूँ मैं भी तो बोल रहा हूँ गलत है लेकिन उसका भी कोई सुझाव होता है बंद करवाने का भाई ये नहीं कुछ का थंबनेल लगा करके और वीडियो बनाओ तो क्या होगा कुछ नहीं होगा हमको अलग तरीके से समझाओ ना भाई अच्छा ये बताइए कभी मिलने की कोशिश किए हो यूट्यूब वाले बाबा से बहुत बहुत बार मिलने की कोशिश किए हैं एक बार होप टॉप नाम के चैनल बनाया था यूट्यूब वाले बाबा ने तो वो बोला था कि इस चैनल के बारे में लोग वीडियो बनाओ प्रमोट करो आपका बहुत अच्छा है उस पर मतलब सपोर्ट मिलेगा ठीक है तो फटाफट हम दोनों मिलकर वीडियो बना दिए थे कि होप टॉप चैनल के वीडियो अभी भी है जा करके आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप सबका आप बोलते हैं प्रमोशन तो इस चैनल पे आपको प्रमोशन भी होगा और सपोर्ट भी मिलेगा वीडियो बनाए थे और बोला था जो जो वीडियो बनाओगे उसको यहाँ बुलाएंगे ठीक है वीडियो भी बना दिए हमको बुलाया भी नहीं और उसको कम से कम 1000 बार लगता है कि इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हैं उसके वीडियो में जाकर मैसेज किए हैं भाई हमको एक बार मिलने का मौका दीजिए 3 साल से वीडियो बना रहे हैं कुछ तो सुझाव मिलेगा अगर हम सपोर्ट करने के लायक हैं तो सपोर्ट कीजिएगा नहीं तो कोई बात नहीं है अच्छा ये बताइए अभी हाल फिलहाल में कहीं पर इवेंट जो हुआ था उस पे आप गए थे मिलने के लिए गए थे यूट्यूब मुलाकात हुई नहीं यूट्यूब बाबा को हम देखिए 2 बजे 2:30 बजे तक वहाँ पे रुके हैं यूट्यूब बाबा को वहाँ पे कोई बुलाया ही नहीं हम सोचे कि यूट्यूब वाला बाबा आया ही नहीं है नहीं यूट्यूब वाले बाबा आए थे फिर बाद में उसको बुलाया होगा हमको मिला ही नहीं वो अच्छा वो सफ़ेद कलर का जो है कुर्ता पैजामा पहने थे टिक्का लगाए हुए थे माथे पे हाँ बाद में हम वीडियो में देखे हैं कि वो आए हुए हैं बाद में देखे हैं लेकिन उस समय हमको नहीं मिला हम सोचे थे कि कभी भी बाहर निकलेगा तो हम एक बार उसे मिलेंगे लेकिन वहाँ टाइम दिया कि मतलब 6 बजे तक लाइव रहेंगे यहाँ पे तो फिर तो मुझे लौटने में वहाँ से बहुत परेशानी होता है इसीलिए हम 2:15 बजे वहाँ से निकल गए हैं अच्छा कौन सा काम करते हैं आप पेंटिंग का काम करते हैं भाई पेंटिंग का काम कितना मिलता है 500 रुपये दिहाड़ी मिलता है अच्छा तो कल यानी कल आप मतलब कि इवेंट में आप गए थे गए थे सोचिए ना हम असली वीडियो बनाते हैं चलो ठीक है सबके सामने में बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं हम असली वीडियो बनाते हैं लोग बोलता है लेकिन फिर भी हम वहाँ गए क्यों गए हम सोचते हैं मुझे कोई अच्छा सलाह देने वाला मिलो हम ऐसा क्यों करेंगे 3 साल से वीडियो बना रहे थे अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे थे उसके बाद अचानक हमारे वीडियो में जो ना मोबाइल में यूट्यूब पे बाबू के बेबी का और भी लोगों का वीडियो आ गया देखते हैं बहुत तगड़ा व्यूज ठीक है तो मैं सोचा कि चलो 3 साल से वीडियो बना रहे हैं और थोड़ा सा हम भी क्लिकबेट करते हैं थोड़ा सा व्यू मिलेगा ठीक है देखिए ये सब होता है देखा देखी वो ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं हम भी करेंगे ठीक है तो देखा देखी ही मेरे साथ भी ऐसा हुआ हम अपने आप को नहीं चाहते हैं कि हम गलत करें कभी नहीं चाहते भाई कोई नहीं चाहता भाई गलत कोई भी नहीं चाहता है मजबूरी होता है देखिए हमको यूट्यूब का इतना ज़्यादा जोश है हम यूट्यूब छोड़ना नहीं चाहते हैं कभी भाई तो जोश में समझो कि हम पागल हो गए थे मतलब कि जो कि लगता है क्या करो जो यूट्यूब से पैसा कमाओ क्या करो जो यूट्यूब पे वीडियो मैं बनाते रहूं मतलब समझ रहे हो ना कि पागल यूट्यूब के चक्कर में पागल हो गए थे तो वही चक्कर में हमेशा सब जो मन में होता है मैं कर देता हूँ मगर यूट्यूब प्लेटफार्म बहुत अच्छा है और आप लोग अगर हमको अच्छी वीडियो सपोर्ट कर रहे हैं तो कीजिए हमेशा नहीं करेंगे भाई कभी नहीं करेंगे चैनल का नाम वो BR फैमिली नहीं जिस पे सपोर्ट करना है विदेशी ब्लॉग 10 है उस पर जाकर सपोर्ट कीजिए और BR फैमिली पे भी जाकर सपोर्ट कीजिए हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे आप लोग देखिए जिस पे हम ऐसा वीडियो बनाते हैं सपोर्ट कीजिए वहाँ पे जा करके हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे और देखिए जिस दिन टेक चैम्पियन मेरा थंबनेल लगा करके वीडियो बनाया उस दिन से उसका सब्सक्राइबर हमारे पास भी इतना आने लगा कि पूछिए मत तो समझिए एक तरह से वो प्रमोशन कर दिया ना तो बढ़ावा प्रमोशन तो हुआ ही आपका तो बढ़ावा कौन देता है बताइए अश्लीलता को बढ़ावा कौन देता है देखिए प्रमोशन हुआ मेरा सब्सक्राइब बढ़ता था 10, 5, 15 उस दिन से 30 होने लगा तो ज़्यादा उसका आने लगा मेरे पे तब ना 30 होने लगा मतलब 10-15 रोज बढ़ते थे हाँ रोज बढ़ते थे उसको मतलब जब जिस दिन प्रमोशन किया कितना बढ़ने लगा 30 बढ़ने लगा मतलब दुगना बढ़ने लगा उससे दुगना सब्सक्राइबर आने लगा 3,000-4,000 पर डे बढ़ने 3,000-4,000 भैया बता रहे हैं हाँ। मतलब पहले 1,000 सब्सक्राइबर रोज बढ़ते थे 1,000-1,500 रोज बढ़ते थे जैसे प्रमोशन किया बस 3,000-4,000 अभी तक बढ़ रहा है अभी तक बढ़ रहा है ठीक है और देखिए गुरुजी ने बोला था
यूट्यूब वाले बाबा ने बोला कि हम जैसे ही मोबाइल खोले वैसे ही उसके वीडियो निकल गया हमारे फ़ोन में, बच्चे भी देखते हैं घर में, ये बोला। बहुत अच्छा बात, आप वैसा वीडियो देखते होंगे तभी आपके पास यूट्यूबर भेजा है, यूट्यूब इंप्रेशन दिया आपके मोबाइल में, आप भी वैसा वीडियो देखते होंगे तभी ना, जो जैसा वीडियो देखते हैं वैसा ही इंप्रेशन यूट्यूब उसके पास भेजता है, सही है गलत? हाँ ये तो बात सही है, अगर हम टेक का वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पास टेक का ज़्यादा वीडियो भेजेगा, टेक का ही आएगा। यूट्यूब इंप्रेशन उसी के पास भेजता है जो ऐसा वीडियो देखना पसंद करता है। तो इंडिया में सभी तरह के लोग हैं भाई, सबको खुश कैसे कर पाओगे? यानी आपके कहने का मतलब है कि टेक चैंपियन सपोर्ट जो हैं यूट्यूब वाले बाबा वो भी ये वीडियो देखते हैं? ऐसे देखते हैं पक्का, सब लोग देखते हैं, भले सामने में नहीं बोलेगा कि मैं नहीं देखता हूँ ऐसा वीडियो, देखते हैं तभी तो उसके पास इंप्रेशन गया, ऐसे जा ही नहीं सकता है। हाँ ऐसे तो नहीं जा सकता, जाएगा ही नहीं क्योंकि हम अगर कोई भी अगर मान लीजिए हम भोजपुरी गाना सुनना पसंद करते हैं तो खाली गाना ही आएगा, गाना ही आएगा उसमें ऐसा नहीं है कि कोई और कैटेगरी का चीज आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं हाँ हालांकि आएगा कभी कभी आ जाता है, आता है लेकिन ज़्यादातर जो देखना पसंद करोगे वही आता है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऑडियंस से कि वैसे वीडियो जैसे आप बना रहे हो वैसे बनाना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। किस लिए आप बना रहे थे बताए तो, मतलब जोश सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अच्छे जोश बना रहे थे, मतलब कहने का मतलब है कि एक होता है ना जोश, वीडियो देख के मोटिवेट हो तो हम बनाएंगे तो मेरा भी जोश। पहला नंबर तो YouTube का जोश, YouTube मतलब कि हमको पागल बना दिया, रात भर नींद नहीं आता, लगता है कि कैसे क्या क्या करूँ जो YouTube पे मतलब सफलता मिले, और ऐसे वीडियो बनाने से तो कभी सफलता मिलने वाला ही नहीं, हमको भी पता है ऐसा वीडियो बनाने से कभी सफलता मिलने वाला ही नहीं, तो जोश के कारण मैंने ऐसा काम किया। बाकी आप लोग अच्छे वीडियो पर सपोर्ट कीजिए तो हम बनाना छोड़ देंगे। अच्छा तो ये बताइए जब वहाँ पर गए थे इवेंट में मिलने तो उस दिन छुट्टी करके गए थे कि छुट्टी करके यानी 500-600 रुपए का आप नुकसान भी करने करके गए थे? गए किराया भाड़ा लगा आने जाने में 1500 तक का खर्चा हुआ मेरा, बाबा से मुलाकात भी नहीं, बाबा से मुलाकात भी नहीं हुआ। अच्छा कैसे घरों में पेंटिंग करते हैं आप, देख लीजिए पीछे बैकग्राउंड। अच्छा ये सब बिल्डिंग में पेंटिंग करते हैं? ये सब बिल्डिंग में ही काम करते हैं। अब भैया बताइए कोई बंदा जान जोखिम में डाल कर ये देखिए इतना ऊपर चढ़कर 500-500 रुपए के लिए जो है कहीं ना कहीं अपना जान जोखिम में डालकर अगर नौकरी करता है उससे तो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक विदेशी ब्लॉग 10 यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया तो आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो शायद उनका इनका कहने का मतलब ये है कि वो लोग सपोर्ट नहीं किए इसीलिए वजह से हम ऐसा अश्लील वीडियो बना रहे थे, है ना? हाँ। और देखिए मैं तो कुछ भी नहीं बनाता भाई, मेरे से बहुत ज़्यादा लोग बना रहे हैं, किसको बोलने के लिए जाओगे आप? हाँ ये तो बात सही है, बहुत गंदा किसको, गंदा किसको बोलोगे, किसको किसको रोकोगे आप? लेकिन आपका सलाह एक ठीक था कि ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, आपका सलाह ठीक था सर, बाकी हमसे कोई गलती हो गया होगा बोले मुझे माफ़ करना, ठीक है आप तो गुरु हैं हम तो आपके चेला हैं, बोले मिस्टेक भी हो सकता है कुछ भी तो आप मुझे माफ़ करना, मगर ऐसे चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए किसी को, बस ये कहेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे राधा जी, ऐसे वीडियो बनाएंगी? ऐसे क्यों बनाएंगे, जब हमको सपोर्ट अच्छे वीडियो मिलेगा तो ऐसे वीडियो क्यों बनाएंगे? वीडियो देखिए मेरा जाके वीडियो चेक कीजिए जिसपे कि मैं लिखा था 50,000 सब्सक्राइबर की खुशी में वो किया थंबनेल को, उस वीडियो को जाके देखिए कितना मस्त वीडियो है, कहीं कोई है ही नहीं, वो अभी YouTube पर पब्लिक है वीडियो, अभी पब्लिक है, कितना व्यूज गया है उस पर? अभी 8 लाख प्लस है, 8 लाख प्लस है। बीआर फैमिली ब्लॉग इनके चैनल का नाम है, जिसका थंबनेल उसका उस पर कोई अभी थंबनेल नहीं लगा ना, उस पर कोई थंबनेल नहीं है, उस पर कोई अभी थंबनेल नहीं लगा है, उस वीडियो को एक बार आप लोग जाइएगा देखिएगा, हो सकता है हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे तो आप लोग जाइएगा उस वीडियो को देखिएगा, कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं एकदम साफ सुथरा वीडियो है, हम तो अभी नहीं जानते, हम देखे मतलब कि उसको देखा भी नहीं हूँ क्योंकि YouTube वाले बाबा के वीडियो देखा था तो मैंने उस पर क्लिक भी नहीं किया, हालाँकि YouTube वाले बाबा का ही वीडियो देखा था, इनका वीडियो नहीं देखा था। और फिलहाल आप लोग एक बार जाके देखिएगा कि सही हुआ है या गलत हुआ है, सही वीडियो बनाते हैं ज़्यादातर मेरा साफ रहता है, ठीक है थंबनेल क्लिकबेट करते हैं क्योंकि यूट्यूब वाले बाबा ने बताया था क्लिकबेट करना सीखो भाई तब पैसा मिलेगा तब व्यूज आएगा, तो मैं सोचा कि चलो मैं क्या क्लिकबेट करूं, तो मेरा वही कैटेगरी था इसीलिए उसी तरह कर दिए। और दूसरी बात कि मान के चलिए आप भी तो लिखे थे चैनल पे कि यूट्यूब बंद हो गया था या यूट्यूब बंद हुआ है, नहीं हुआ है ना, तो वो भी तो क्लिकबेट किए थे आप, आपको भी तो लोग बोल सकता है कि बेकार है यूट्यूब बंद हो गया, मतलब YouTube बंद हो गया तो YouTube बंद कहाँ हुआ है? अरे YouTube बंद हो जाएगा कितने लोग मर जाएंगे? हाँ वही तो क्लिकबेट अटैक आ जाएगा, हम अपने अनुसार से क्लिकबेट किए, आप अपने अनुसार से क्लिकबेट किए थे, ठीक है, लेकिन बस आपका कहना ठीक था, सुधार करने के लिए हम सुधार करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, उससे जाते जाते यही कहेंगे
कि आप लोग ऐसा गंदा वीडियो ना बनाएं। नहीं बनाइए, मत बनाइए, है ना? नहीं। तो अगर आप लोग गलती मानना चाहते हैं इस चीज के लिए, हम गलती मानते हैं, कैसा काम कर रहे हैं तो गलती है, गलती कर रहे हैं, बाकी आप लोग इसको बढ़ावा मत दीजिए, आप इसको देखिए मत। अगर आप बढ़ावा दोगे तो फिर चालू कर देंगे। हाँ, अगर जो चीज़ में ज़्यादा व्यू जाएगा तो लोग वहीं से पे फोकस करेगा ज़्यादा, इसीलिए देखिए ही मत, बढ़ावा ही मत दीजिए। ऐसे सब वीडियो को लोग प्रमोट भी करते हैं। हाँ, प्रमोशन तो रोस्ट करते हैं, और यही सब वीडियो लोग मेरा उठा उठा के फेसबुक पे डाल दिए, हर जगह डाल दिए, हर एक प्लेटफॉर्म। मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है। कितने चैनल बनाए अभी? कम से कम हमारे नाम से 15 चैनल मिलेगा आपको। 15 चैनल मिलेगा, और उसके उसका फेस नहीं है, बस मेरा ही फेस है, मतलब ये आप ही का वीडियो टोटल। हाँ, मेरा ही वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, इन्होंने गलती मान लिया है। टेक चैंपियन सपोर्ट सर, अगर आपको मैंने मेंशन कर दिया है, अगर आप लोग आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इनका सपोर्ट करिए। एक बार आप बुलाइए इनको, जरूर बुलाइए, आप बुलाइए, आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे गलती भी मानेंगे, फिलहाल मान भी लिए हैं, आपके सामने भी जाके आपसे गलती मानेंगे, और फिलहाल ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे। एक बार प्लीज़ आप लोग इनको, आप इनको सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ऐसे ऐसे बिल्डिंगों में, बिल्डिंग में ये जो है कहीं ना कहीं पेंटिंग करते हैं, लटक लटक की पेंटिंग करते हैं, 500 रुपये कमाते हैं रोज का, तो आप समझ ही सकते हैं। और ये अभी कहाँ पे हैं आप? अभी फरीदाबाद में है। अब ये सोच लीजिए, फरीदाबाद यानी कुल मिला के यहाँ पर सिटी में हैं, तो आप समझ सकते हैं किराए पर कमरा लेकर रहते हैं, लगभग 5,000-4,000 रुपये तक कम से कम किराया ही होगा, तो कैसे निकलेगा? तो आप इनको थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हम मानते हैं कि आप, हम तो आपको गुरु मानते हैं, पता है आपको, जब हॉप टॉप हम भी आपको हॉप टॉप पर कई बार जो है कमेंट किए हैं, कॉल भी किए थे, लेकिन कोई फ़ोन उठाता है, बुलाता भी नहीं है। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो आपको इंडिया का सबसे बेस्ट यूट्यूबर मानता हूँ, बेस्ट यूट्यूबर मानता हूँ, क्योंकि आपने उस चीज़ को बढ़ावा दिया है, जो छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, उनके घर आप जाकर सपोर्ट करते हैं, अपने स्पॉन्सरशिप से आप पैसा लगा कर मोबाइल दिलाते हैं, माइक दिलाते हैं, इससे लिए हम इसी की वजह से हम आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इसी की वजह से हम इनसे यही मिलने आए कि ये ऐसा क्यों करे भाई, उतना दूर से मिले हैं। बताइए, प्रयागराज से ये हरियाणा लगता है ना? हरियाणा लगता है, तो हरियाणा में आके इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों कोई ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।